बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन। आई एम योर सोशल स्टडीज़ टीचर एंड टुडे इज़ आवर न्यू वीडियो लेक्चर। एंड एज यू नो दैट इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स वी पीपल हैव फिनिश्ड आवर चैप्टर नंबर 1 इट्स रीडिंग एक्सप्लेनेशन एंड द रिटन वर्क ऑल्सो। इन आवर टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विच इज़ ऑल्सो फ्रॉम द ज्योग्राफी सेक्शन एंड द चैप्टर नेम इज विंड्स एंड साइक्लोन्स। द चैप्टर इज ऑन बुक पेज नंबर 12। द चैप्टर ऑल्सो बिलोंग्स टू ज्योग्राफी सेक्शन। विंड्स मीन हवाएं एंड साइक्लोन्स मीन तूफान। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द विंड्स एंड साइक्लोन्स। First of all, before starting the chapter, you should know there are some difficult words in your chapter. You should know about them. The first word which you are going to read is wind, which means moving air. Breeze. Breeze means a light wind. Gales. Gales mean strong winds. Spin. Spin means turn round quickly. यानी तेजी के साथ गोल गोल घूमना। साइक्लोन। साइक्लोन मीन्स बैड स्टॉर्मी वेदर विद अ लॉट ऑफ रेन। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मीन इन द डायरेक्शन दैट द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मूव। बे। बे मीन्स अ प्लेस वेयर द लैंड गोज इनवर्ड एंड द सी फिल्स द स्पेस। In Urdu, the word is named as Khaleej. Understand? These are all some difficult words. And now you should know the meanings. What are the meanings of these words? You will be able to understand the topics very easily. The first topic of your today's lecture is winds. Winds mean Hawaii. Wind is a moving air. यूजुअली विंड्स जो होती हैं वो मूव कर रही हैं एक जगह से दूसरी जगह। द विंड्स यूजुअली ब्लो फ्रॉम वन डायरेक्शन एट अ टाइम बट समटाइम्स दे स्पिन्स राउंड एंड राउंड इन स्पाइरल्स। विंड्स कैन रेंज फ्रॉम अ जेंटल ब्रीज ऑफ 5 km/h टू द स्ट्रॉन्गेस्ट गेल्स ऑफ ओवर 200 km/h। हवाएं जो होती हैं वो एक अतराफ से एक तरफ से दूसरे अतराफ की तरफ क्या करती है, सफ़र करती है। कभी कभार ये जो हवाएं होती हैं वो सीध में सफ़र करती हैं और कभी कभार ऐसा होता है कि ये जो हवाएं होती हैं विंड्स जो होती हैं वो स्पिनिंग मूवमेंट में सफ़र करती हैं, यानी कि गोल गोल घूमती हैं और स्पाइरल यानी कि एक स्प्रिंग की शेप में जो है तो सफ़र करती हैं। ठीक है, मूव करती हैं। हवाएं जो होती हैं वो आहिस्ता से भी मूव करती हैं और तेज़ी के साथ भी, यानी तेज़ हवा के झोंकों तक जो है तो इनकी स्पीड जा सकती है। जो कम से कम स्पीड होती है एक लाइट एक जेंटल ब्रीज यानी कि एक हल्की हवा की जो कि आहिस्ता रफ्तार में चलती है, कम से कम स्पीड जो होती है रफ्तार जो होती है वो 5 km/h होती है। और जब ये हवाएं तेज़ी के साथ स्ट्रॉन्गेस्ट हवा के द स्ट्रॉन्गेस्ट गेल्स मीन्स कि तेज़ हवा के जकड़ों की सूरत में जब ये मूव करती हैं तो इनकी स्पीड 200 km/h की जो रफ्तार है उस तक ये सफ़र कर सकती हैं। ठीक है, दीज आर ऑल अबाउट दिस इज़ ऑल अबाउट द विंड्स दैट हाउ द विंड्स यूजुअली मूव। Understand and at which speed they can move. Understand? The other topic which we are going to discuss today is the cyclones and anti-cyclones. What are cyclones? Cyclones means तूफान। Understand? Cyclones का मतलब है कि तूफान। ठीक है, sometimes winds spins round and round in spirals. जैसे कि हमने अभी discuss किया that sometimes the winds मूव इन स्पिनिंग मोशन। सो दैट्स स्पिनिंग मोशन इन द स्पाइरल शेप व्हेन द विंड्स एक्चुअली स्पिन्स राउंड एंड राउंड दे आर कॉल्ड साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स। अंडरस्टैंड,
साइक्लोन्स आर स्मॉलर देन एंटी साइक्लोन्स बट द विंड स्पीड इज मच स्ट्रोंगर एंड इन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन द आई द विंड स्पीड इज मच लेस. अंडरस्टैंड, यानी जो साइक्लोन होता है, तूफान जो होता है, वो स्प्रिंग की सूरत में गोल गोल घूमता है, मूव करता है, और उसका जो सेंटर होता है वहाँ पे उसकी जो रफ्तार होती है वो बहुत कम होती है, जबकि जिस अतराफ में वो घूम रहा होता है साइडों पे उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, तो अब हम अपनी बुक की तरफ जाते हैं. ओपन योर बुक्स, कम टू पेज नंबर 12. ऑन पेज नंबर 12 यू विल फाइंड द पिक्चर ऑफ साइक्लोन. ऑन पेज नंबर 12 यू कैन सी दिस इज द पिक्चर, दिस इज द इमेज ऑफ साइक्लोन विच इज टेकन फ्रॉम स्पेस. अंडरस्टैंड, यानी दिस इज द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ एयर विच कॉजेज साइक्लोन्स. अंडरस्टैंड, कम टू पेज नंबर 12, चैप्टर नंबर 3, द विंड्स एंड साइक्लोन्स. यू कैन राइट द मीनिंग्स ऑन द टाइटल. विंड्स मीन हवाएं एंड साइक्लोन्स मीन तूफान. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट विंड्स. विंड इज अ मूविंग एयर. इट कैन रेंज फ्रॉम अ जेंटल ब्रीज. जेंटल ब्रीज मीन्स अ लाइट विंड ऑफ एट 5 km/h टू द स्ट्रॉन्गेस्ट गेल्स ऑफ ओवर 200 km/h. Winds usually blow from one direction at a time, but sometimes they spin. Spin means turn round quickly and round in spirals. Spiral means in the shape of a spring. These are called cyclones, underline it, and anticyclones. The spinning air sometimes thousands of kilometers across in the case of anticyclones. It's usually caused when cold air from polar regions meet with warmer wet air from the tropics. Understand? तूफान कब बनते हैं? तूफान तब बनते हैं जब गर्म और सर्द हवाएं आपस में क्या करती हैं? मिलती हैं. ठीक है, पोलर रीजन से, ट्रॉपिकल रीजन से जब गर्म और सर्द हवाएं जो है तो आपस में मिलती हैं, टकराती हैं, तो तूफान बनते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑन पेज नंबर 13 इज साइक्लोन. साइक्लोन मीन्स तूफान. इन द साइक्लोन द वर्ड द विंड स्पिन राउंड इन एन एंटी क्लॉक डायरेक्शन इन द नदरन हेमिस्फेयर एंड क्लॉक वाइज इन द सदरन हेमिस्फेयर. हेमिस्फेयर मीन्स द हाफ स्फेयर. अंडरस्टैंड, you know that the earth is actually imaginary divided into two hemispheres through equator, the northern hemisphere and the southern hemisphere. Theek hai, the air pressure on the earth is low, especially in the tropical seasons. The winds can reach well over 200 km/h and in result immense damage. Theek hai, the scientists have calculated that even a medium strength of cyclone has the power of a 500,000 nuclear bomb. 500,000 means almost 5 lakh nuclear bombs. Cyclones are smaller than anticyclones, but the wind speed is much stronger. We have discussed it that in the middle and the center of the cyclones, the eye, the speed of the cyclone is low as compared to the sides. Understand? The Bay of Bengal and on the coastal areas around it down to the western coast of India are a cyclone affected region, and in South Asia, Bangladesh is particularly affected by cyclones which cause a lot of destruction. Understand? Inshallah, in tomorrow's lecture we will talk about the regions in South Asia which are deeply affected by the cyclones, and our next topics are anticyclones and tornadoes. Understand? Thank you so much for today, and Allah Hafiz.